परमात्मा की अनंत अनुकंपा ठुकराए नहीं। वह भगवान सदा सभी के साथ है। घट घट वासी और सर्वव्यापी होने के कारण जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमारे साथ ओतप्रोत रहा हुआ होता है। इस विश्व में तिल भर भी ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। हमारी हर सांस के साथ वह भीतर जाता और बाहर निकलता है। रक्त की हर तरंग के साथ वह अंग प्रत्यंगों में प्रतिक्षण दौड़ता है। हृदय की धड़कन के साथ उसका ताल वाद्य बजता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी चौकसी के लिए वह जागता है। माता की गोदी की तरह निद्रा की चादर से ढककर वह हमें अपनी छाती से चिपका कर सुलाया करता है। जब सब और जीव अशांत और क्लांत होकर थका हुआ चकनाचूर हो जाता है तो निद्रा के रूप में परमात्मा की गोदी ही उसे विश्रांति प्रदान करती है। असमर्थ जीव को चीर निद्रा में सुलाकर क्लोरोफॉर्म देकर ऑपरेशन करने वाले और सड़ा अंग काटकर उसकी जगह नया अंग देने वाले कुशल डॉक्टर की तरह वही पुनर्जन्म की व्यवस्था करता है। मृत्यु और कुछ नहीं, एक गहरी चीर निद्रा मात्र होती है। प्रभु की अनंत अनुकंपा को हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। उसके इतने अनंत अनुदान अपने को प्राप्त है कि एक एक पर विचार करने में ऐसा लगता है कि मानव सृष्टि की सारी विभूति उसने अपने ही लिए बना कर रखती है और वस्तु का मनमाना उपयोग करने की पूरी पूरी छूट दी गई है। इठला कर बहती हुई नदियाँ, शांति से निकलते हुए सरोवर, मधुर मुस्कात हुए पुष्प, चहकते हुए पक्षी, उमड़ घुमड़ कर गरजते बरसते बादल, लहलहाती हरियाली, आकाश चूमने वाले पर्वत, जिधर भी दृष्टि डाली जाए उधर ही प्रकृति का अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा है और हर कोई मनचाही मात्रा में उसका पूरा पूरा निर्बाध रसास्वादन करने को स्वतंत्र है। जो शरीर हमें मिला है उसका एक एक कल पुर्जा ऐसा कीमती है कि विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक लोग करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर भी वैसे पुर्जे नहीं लगा सकते जैसे इस देह में लगे हैं। आंखें जैसा स्पष्ट देखती है वैसा कैमरा कोई अब तक नहीं बन सका। मस्तिष्क की रचना ऐसी विलक्षण है कि उसके सूक्ष्म विद्युत संस्थान की छोटी छोटी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करने मात्र में मानव बुद्धि थक जाती है। हाथ पाँव पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, रक्त संस्थान, मल विसर्जन संस्थान की रचना और उपयोगिता ऐसी आश्चर्यजनक है कि उस वैज्ञानिक की उस कलाकार की कृति को निहारते निहारते यही लगता है कि इस रचनाकार की मानव शरीर की अद्भुत रचना प्रक्रिया को समझ सकना भी कठिन है, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस मानव शरीर में सूक्ष्म सुविधाएँ प्राप्त है, उन्हीं का विश्लेषण करें और अन्य जीव जंतुओं की तुलना में उनकी श्रेष्ठता का अनुभव करें तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। परमात्मा के अनंत अनुदान पर संतोष व्यक्त करें और प्रभु का आभार माने तो यह सारा जीवन इस एक कार्य को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं हो सकता। बाह्य जीवन में जो उपलब्धियाँ हमें प्राप्त है वे अद्भुत है। बोलने की, लिखने की, पढ़ने की जो विशेषता जितनी मात्रा में किसी भी जीव को नहीं मिल सकी वही हमें प्राप्त है। यह रचना उसकी कैसी मंगलमय व्यवस्था है कि उसके सहारे हंसते खेलते जिंदगी कट जाती है और जो पुण्य परमार्थ प्राप्त करना लक्ष्य था वह भी उस छोटी बगीची के सींचने में पूरा हो जाता है। आनंद और उल्लास का कितना श्रेष्ठ समन्वय परिवार रचना के साथ संबंधित है उस पर विचार करते हैं तो लगता है कि पूरा आनंद अनुभूति का एक बहुत ही मनोरम व्यवस्था क्रम बनाकर हमारे साथ जोड़ दिया गया है। मनोरंजन की परिपूर्ण व्यवस्था रख दी गई है और कर्तव्य पालन एवं आत्मविकास का भरपूर अवसर उसमें मौजूद है। संसार की बाह्य परिस्थितियों में भगवान का कैसा कड़वा मीठा स्वाद सन्निहित किया हुआ है कि एक के संबंध से दूसरे की महत्ता बढ़ती है। रात का अंधकार दिन के प्रकाश का महत्व बढ़ाता है और दिन का प्रकाश रात्रि के अंधकार को श्रेय प्रदान करता है।
गरीबी की उपस्थिति से अमेरिका गौरव टिका हुआ है और अमीरी से खिन्न हुए लोग गरीबी संन्यास की शरण में शांति खोजते हैं। रोग से आरोग्य का महत्व समझ में आता है। पाप को देखकर पुण्य की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। दुरात्माओं की उपस्थिति से महात्माओं का सम्मान होता है। यदि सब कुछ एक सा ही रहा होता, व्यक्तियों और परिस्थितियों में अंतर न रहता होता, तो मनुष्य की सूझबूझ का ही कोई महत्व न रहता। वह कुंठित पड़ी रहती और जो हलचल चारों ओर दिखाई पड़ती है उसके स्थान पर सन्नाटा छाया होता। जिन बातों को हम परमात्मा की भूल, अकृपा एवं अव्यवस्था समझते हैं, उसमें वस्तुतः उसकी सुव्यवस्था ही सन्निहित रहती है। जो परिस्थितियां हमें अपने लिए प्रतिकूल, अप्रिय, अखरने वाली, कष्टकारक लगती है, उनमें भी परमात्मा का सत प्रयत्न और सव उद्देश्य छिपा रहता है। बढ़ने के लिए ताड़ना करने वाला अध्यापक, सड़े अंग का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, उदंडता के लिए क्रोध प्रकट करने वाला पिता, अपराध के लिए दंड देने वाला न्यायाधीश उन्हें बुरे लगते हैं जिन्हें उनके व्यवहार से कष्ट पहुंचाता है। पर कष्ट पहुंचाना सदा अकृपा में ही नहीं होता। माता का प्रजनन का कष्ट भुगतना पड़ता है, पर क्या यह किसी के क्रोध या दुर्वासा का प्रतिफल होता है? ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह कई बार माता के दूध पिलाने की तरह मधुर और कई बार कान ऐंठने की तरह कड़वा होता है। बालक नहीं, माता ही जानती है कि इन दोनों में केवल बालक के कल्याण और बालक के सुख का ही ध्यान रखा गया है। वह परमात्मा हमारे प्रतिक्षण साथ रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति से जो लाभ मिलना चाहिए उसे कोई बिरला ही उठा पाते हैं। घर की जमीन में गड़ा धन यदि अपनी जानकारी में न हो तो उससे क्या लाभ मिलेगा? गले में पड़े हुए हीरा के कंठा को यदि हमने कांच जितना ही समझ लिया हो तो उससे क्या लाभ अपने को प्राप्त होगा? परमात्मा की अपार और अत्यंत शक्ति एवं अनुकंपा हर घड़ी अपने साथ है, पर उसका परिपूर्ण लाभ उठा सकना अनजानों के लिए कठिन है। जिस जानकारी के आधार पर परमात्मा के सहचर होने का समुचित सत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है उसे ही सद्ज्ञान या अध्यात्म कहते हैं। कपड़े के जीने पर्दे की आड़ में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते, यद्यपि यह अनुभव करते हैं कि पर्दे के भीतर कोई बैठा है। हम यह तो जानते हैं कि परमात्मा हमारे समीप है, भीतर ही है, पर उसकी उपस्थिति है वह आनंद और लाभ हम नहीं उठा पाते जो सानिध्य सहचरत्व से मिलना चाहिए। राजा, रईस, अमीर, अधिकारी, योद्धा, विद्वान, कलाकार आदि श्रेष्ठ लोगों की मित्रता और समीपता से लोग बहुत लाभ उठा लेते हैं। तब उदार तथा अनुग्रही परमात्मा के निरंतर सामीप्य का हम लाभ न उठा सके, अपनी स्थिति उन्नत न बना सके, इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा? परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। वह हमें अपने समान बनने, ऊपर उठने का आमंत्रण देता रहता है, आह्वान करता रहता है, पर उसे मुंह से पुकारते रहने वाले अनेक मनुष्य मन से शैतान का ही सानिध्य चाहते, उसी की ओर खींचने में सुख का अनुभव करते हैं। यह भी मनुष्य की जीवन की एक विचित्र विडंबना है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छोटे छींटों के रूप में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपने क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वह अकेला था, अकेला रहना उसे अच्छा न लगा। एक से बहुत हो जाऊं, उसकी यह इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणित हो गई। इच्छा की शक्ति महान है। आकांक्षा के अनुरूप
परिस्थितियां तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती है। विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा ने ही अपना विस्तार किया तो यह सारी वसुधा बनकर तैयार हो गई। परमात्मा ने अपने आप को बिखेरने का झंझट भरा कार्य इसलिए किया कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछुड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। परमात्मा ने अपने टुकड़ों को, अपने अंश को, जीवों को बिखेरने का बिछोह कार्य इसलिए किया कि वे जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना जितना प्रयत्न करें उतने उतने आनंद मग्न होते रहें। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास इस पृथ्वी पर किसी कोई वस्तु में नहीं है। इसी प्रकार एकता और संगठन से बढ़कर शक्ति का स्तोत्र और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं पर उन प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता का उच्च स्तर तक पहुंचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृतकृत्य मानता है। कबीर जी का दोहा प्रसिद्ध है, राम बुलाया भेजियो कबीरा दीना रोय, जो सुख प्रेमी संग में सो वैकुंठ में न होय। इस दोहे में वैकुंठ से अधिक प्रेमी के सानिध्य को बताया गया है। कबीर प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में भी दुख मानते और रोने लगते हैं। वस्तु स्थिति यही है, सच्चे प्रेम में ऐसा आनंद होता है जहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में निष्कपट, निस्वार्थ, आंतरिक और सच्ची मित्रता होती है। वहाँ गरीबी आदि की कठिनाइयाँ गौण रह जाती है और अनेक अभावों एवं अनेक परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास और आनंद का अनुभव करता है। उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद। प्रेम के विकास का आधार भी यही है। सच्चे और ईमानदार मनुष्य के बीच ही दोस्ती बढ़ती और निभती है। धूर्त और स्वार्थी लोगों के बीच तो मतलब की ही दोस्ती होती है। यहाँ जरा सा भी आघात लगते ही कांच के गिलास की तरह टूट फूट कर वह दोस्ती नष्ट हो जाती है। लाभ में कमी आते ही तोते की तरह आंखें फेर ली जाती है। यह दिखावटी धूर्ततापूर्ण मित्रता तो एक प्रवंचना मात्र है। जहाँ पर जितने अंशों में जितना मैत्री भाव होता है वहाँ आनंद, संतोष और प्रफुल्लता की निर्जरिणी निरंतर जलती रहेगी। यदि कुछ लोगों को परिवार या संगठन प्रेम के उच्च आदर्शों पर आधारित होकर विकसित हो सके तो वहाँ उस परिवार के भी सदस्यों को विकास एवं हर्षोल्लास का परिपूर्ण अवसर मिलता रहेगा। जिस समाज में सच्ची मित्रता, उदारता, सेवा और आत्मीयता का आदर्श भली प्रकार फलने फूलने लगता है वहाँ निश्चित रूप में स्वर्गीय वातावरण भी निर्मित होकर रहता है। देवता जहाँ कहीं रहते होंगे वहाँ उनके अच्छे स्वभाव ने प्रेम का वातावरण बना रखा होगा और उस भाव प्रभाव ने वहाँ स्वर्ग की रचना कर दी होगी। स्वर्ग यदि कहीं भी हो सकता है तो उसकी संभावना वही होगी जहाँ सज्जन पुरुष प्रेम पूर्वक मिलजुल कर आत्मीयता, उदारता, सेवा और सज्जनता पूर्वक रह रहे होंगे। ईश्वर उपासना से स्वर्ग की प्राप्ति का जो महात्म्य बताया गया है उसका आधार यही है कि उपासना करने वाले को भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। परमात्मा को, आत्मा को, आदर्शवाद को जो भी प्यार करना सीख लेगा उसे अनिवार्यतः प्राणी मात्र से प्रेम का आभास होगा और इस कारण के रहते हुए उसका निवास स्थान एवं समीपवर्ती वातावरण स्वर्गीय अनुभूतियों से ही भरा पूरा रहेगा। उपनिषद का वचन है, रसो वै सह, अर्थात प्रेम ही परमात्मा है।
बाइबल ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है और मनुष्य को प्रेमी स्वभाव का बनने पर जोर देते हुए कहा है कि जो प्रेमी है वही ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा। भक्ति की महिमा ने अध्यात्म शास्त्र का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। भक्ति से मुक्ति मिलने की प्रतिस्थापना की गई है। भक्त के वश में भगवान को बताया गया है। इन मान्यताओं के कारण एक ही है कि प्रेम की हिलोरे जिस अंतरात्मा में उठ रही होंगी उसका स्तर साधारण न रहेगा। जिसमें दिव्य गुण दिव्य स्वभाव का आविर्भाव होगा वह दिव्य कर्म ही कर सकेगा। ऐसे ही व्यक्तियों को देवता कहकर पुकारा जाता है। जहाँ देवता रहेंगे वहाँ स्वर्ग तो अपने आप होगा। प्रेम का अभ्यास ईश्वर को प्रथम उपकरण मानकर किया जाता है। कारण यही है कि उसमें भी स्वार्थ दोष नहीं है। सूक्ष्म की उपासना जिन्हें कठिन पड़ती है वे साकार प्रतिमा बनाकर अपनी भावनाओं को किसी पूजा प्रतीक पर केंद्रित करते हैं। निर्जीव होते हुए भी वह माध्यम सजीव हो उठता है। मूर्ति पूजा का तत्व ज्ञान यही है। इस बात को हर कोई जानता है कि देव प्रतिमाएं पत्थर या धातु की बनी निर्जीव होती है। उनके सजीव होने की बात कोई सोचता तक नहीं, पर यह आध्यात्मिक तथ्य मूर्ति पूजा के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता है कि जिस किसी से सच्चा प्रेम किया जाएगा, जिसके लिए भी सच्ची श्रद्धा का प्रयोग किया जाएगा, वह वस्तु चाहे निर्जीव हो या सजीव, भक्त की भावना के अनुरूप फल देने लगेगी। मूर्ति पूजा करते हुए साकार उपासना करने वाले अगणित भक्तजन जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। मीरा, शूर, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस आदि की साकार उपासना निरर्थक नहीं गई, उन्हें परम पद तक पहुंचा सकने में ही समर्थ हुई है। रबड़ की गेंद दीवार पर मारने से लौट कर फेंकने वाले के पास ही पीछे को लौटती है। पके कुएं के मुंह करके आवाज लगाने से प्रतिध्वनि गूंजती है। उसी प्रकार इष्ट देव को दिया हुआ प्रेम लौट कर प्रेमी के पास वापिस आ जाता है और उस प्रेम प्रवाह से रसरिक्त हुआ अंतरात्मा ईश्वर मिलन ब्रह्म साक्षात्कार एवं भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकलव्य भील की बनाई हुई मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा उसे इतनी शस्त्र विद्या सिखाने में समर्थ हो गई जितने की खुद गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भी नहीं जानते थे। मिट्टी के द्रोणाचार्य में एकलव्य की जो अनन्य निष्ठा थी उसके कारण ही वह प्रतिक्रिया संभव हो सकी कि वह भील बालक उस युग का अनुपम शस्त्र चालक बन सका। ईश्वर के साकार व निराकार स्वरूप का ध्यान पूजन जप अनुष्ठान करते हुए साधक अपनी प्रेम भावना श्रद्धा और निष्ठा को ही परिष्कृत करता है। इस मार्ग में वह जितनी प्रगति कर सके उतनी ही ईश्वर अनुभूति परमानंद उसे उपलब्ध होने लगते हैं। साधना यदि सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो उसका परिणाम यह होना चाहिए कि उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगे। वह प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को प्राणी मात्र में देखे। दूसरों का दुख उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत हो और दूसरों को सुखी समुन्नत देखकर अपनी शीश श्री समृद्धि की भांति संतोष का अनुभव करे। प्रेम का अर्थ है आत्मीयता और उदारता। जिसके साथ प्रेम भाव होता है उसके साथ त्याग और सेवापूर्ण व्यवहार करने की ही इच्छा होती है। प्रेमी अपने को कष्ट और संयम में रखता है और अपने प्रेम पात्र को सुविकसित सुंदर एवं सुरम्य बनाने का प्रयत्न करता है। सच्चे प्रेम का यही एकमात्र चिन्ह है कि जिसके प्रति प्रेम भावना उपजे उसे अधिक सुंदर अधिक उज्ज्वल एवं प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाए। जय गुरुदेव।